Good morning, student. Myself Anurag Pareek. I am chemistry teacher. और बेटा हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और हम चैनल के थ्रू हमारे आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे जिससे आप केमिस्ट्री में नीट जेई और बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प ले पाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो उसके लिए आज से अपन एक नॉर्मल एक छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर अपन बात करेंगे और इसी तरह अपन हर टॉपिक को ईजी बनाते हुए आपकी स्टडी को आसान बनाएंगे प्लस उसमें आपको इतना हेल्प करेंगे ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बहुत ईजिली सेलेक्ट हो पाएँ, ठीक है। उसके अंतर्गत अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले जो एक टॉपिक है छोटा सा लॉग एंड एंटीलॉग। ये टॉपिक आपने देखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब में आपके लिए आता है और उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। स्कूल में तो क्या होता है लॉग टेबल प्रोवाइड कर दी जाती है तो फिर भी एक बार अपन लॉग टेबल देखना सीख जाते हैं तो फिर उससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नो लॉग टेबल, राइट। एंड सम टाइम वैल्यूज आर प्रोवाइडेड बट नॉट ऑलवेज, सो वी हैव टू लर्न हाउ टू नो द लॉग एंड एंटी लॉग वैल्यूज विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, राइट। और उसका मैं एक शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा जिससे कि आप किसी भी वैल्यू को बहुत अच्छे से तुरंत आप निकाल पाएंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आप तुरंत निकाल पाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप कोई भी क्वेश्चन चाहे वो किसी भी पेपर में आया हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे मैथ्स में हो, कहीं भी आप कर पाएंगे। केमिस्ट्री में आपने देखा है बेटा सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, सब जगह पे लॉग का यूज आता है। और लॉग का यूज जहां आता है बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देते हैं और उनसे फाइनल आंसर नहीं निकल पाता है, तो ऑब्जेक्टिव में तो फाइनल आंसर की वैल्यू होती है। तो हमें लॉग को आज बहुत अच्छे से बेटा सीख लेना है, तो आप पूरा कंसंट्रेट करेंगे मैं किस तरह से आपको शॉर्टकट से लॉग को पूरा आपको इंटरेस्टिंग वे में आपको सिखाता हूं जिससे कि बहुत मजा आएगा आपको। देखिए लॉग एंड एंटीलॉग लॉग 7 कर लीजिए, बस तीन वैल्यूज लर्न करनी होती है, लॉग 10 और लॉग 1 तो सबको पता ही होता है 0 और 1 है। अब देखिए लॉग 6 की वैल्यू हमें याद नहीं है, नो प्रॉब्लम। लॉग 6 मैथ से हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। व्हाट इज लॉग 6? इट इज लॉग 2 × 3। 6 को हमने 2 × 3 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए लॉग a × b, सो व्हाट इज इट? लॉग 2 प्लस लॉग 3, राइट। लॉग 2 की वैल्यू कितनी है? 0.30। लॉग 3 की वैल्यू कितनी है? 0.48। सो द फाइनल आंसर इज 0.78, चेक कर लीजिए। लेकिन बेटर तो है कि आप 10 वैल्यूज याद कर लें जिससे कि हमें इन 10 वैल्यूज से विद इन फ्यू सेकेंड, इवन मैं बता रहा हूं आपको विद इन 10 सेकेंड आप क्या कर सकते हैं किसी भी लॉग वैल्यू का आंसर निकाल पाएंगे विदाउट यूजिंग टेबल। ये बहुत बड़ी बात होगी जो आपको कॉम्पिटिशन में बहुत बच्चों से बहुत आगे करेगी, क्योंकि जितना कम टाइम आप यूज करेंगे उतना ही आप आगे आएंगे कॉम्पिटिशन में, तो यही होता है। अब आप देखिए लॉग 8, एक एग्जाम्पल और बता देता हूं आपको, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सपोज हम भूल गए कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 8। एग्जाम में मान लो अपने को वैल्यू आई 8 point something, हमें अब याद ही नहीं है 8 का कितना वैल्यू था, नो प्रॉब्लम। तो 8 की वैल्यू भी आप कैसे कर सकते हैं? How can we rewrite 8? 2 raised to the power 3। पावर कहां आ जाती है लॉग में? सी रूल था जो अपना, क्या हो जाएगा बेटा 3 log 2, सो इट इज 3 × वैल्यू ऑफ लॉग 2 इज 0.30, सो द आंसर इज 0.90, चेक करो लॉग 8 की वैल्यू कितनी है 0.90। किसी की भी भूल जाइए आप, इन तीन को नहीं देख भूलना है 2, 3 and 7, तो इसके बेस पे अपन कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अब नाउ अब अपना लास्ट पॉइंट है कि जब अपने को लॉग फ्रैक्शंस में दिए होंगे तो हाउ कैन वी डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दीज लॉग, राइट। तो अब देखिए बेटा टेक ए प्रॉपर एग्जाम्पल नाउ, लॉग 4.6 और इवन आप ऐसे ले लीजिए इट इज 4.62 और बड़ा कर लीजिए, ये वैल्यू है। अब इसका आंसर आपको देना है तुरंत, तो देखिए बेटा इसका आंसर हम इस वैल्यू को देखकर वर्बली भी बता पाऊंगा मैं और शॉर्ट बताऊंगा आपको, लेकिन अभी एक बार पूरा प्रोसेसर बता दूं जिससे आपको खुद को आ जाए। लुक एट बोर्ड,
इट इज अ नंबर बिटवीन लॉग 4 एंड लॉग 5, ये तो डाउट नहीं है ना, 4 पॉइंट समथिंग मींस अ नंबर बिटवीन 4 एंड 5, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 4, इट इज 0.60 एंड लॉग 5 इट इज 0.70, राइट बेटा, इसका क्या निकाल लीजिए आप, डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस में हमेशा लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0.70 माइनस तो इट इज 0.10, ये डिफरेंस आ गया आपने पास। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, लॉग 4.65। देखिए बेटा इंटीजर की वैल्यू तो आपको ध्यान है, सपोज ये लॉग 4 ही होता तो हमें पता होता द आंसर इज 0.60, बट हमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, 0.62 का, तो आप क्या करिए, ये जो डिफरेंस आया है इन दोनों का, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी डेसिमल के बाद डिजिट है उसको विद डेसिमल मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 0.62 से जब इसे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बताइए क्या आएगा बेटा, 0.062, 0.1 को 0.62 से करेंगे तो तीन डिजिट पहले डेसिमल आ गया, 0.062 आ गया, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, ये इस 0.62 का कंट्रीब्यूशन है, इस वैल्यू को इसमें ऐड कर दीजिए, 0.062, सो द आवर फाइनल आंसर इज 0.662, आप टेबल में मैच कर लेना बेटा, 99% करेक्ट होगा ये आंसर, ठीक है, और हमें तो अप्रोक्सीमेशन करना है, कोई टेबल फॉर्म करके तो अपने को सेल करनी नहीं है ना, कॉपीराइट नहीं है ना अपने पास, अदरवाइज तो उसको भी कर सकते थे, एग्जैक्ट वैल्यू लिखते ना, पर 0.6021 और इसको लिखते 0.6990, उनका डिफरेंस निकाल के शो करते थे, एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाती, लेकिन हमें एग्जामिनेशन में सिर्फ जल्दी करना है और एक अप्रोक्सीमेशन को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इतना ही है, राइट, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एक बार फिर देख लीजिए, मैं दूसरा एग्जांपल आपसे पूछने वाला हूं, राइट, लॉग 4.62, इट इज अ नंबर बिटवीन लॉग 4 एंड लॉग 5, द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यू इज 0.10 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर विद डेसिमल, राइट, 0.62, और 4 की वैल्यू अलग से निकाली, इंटीजर की वैल्यू तो हमें पता थी, इस तरह से आपको काम करना है, राइट, देखिए अब और, एग्जाम्पल 2, लॉग 6.7, ये वैल्यू आई है लॉग 6.7, तो अब आपको मैंने जो प्रोसीजर बताया उसे फॉलो करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 6, हाँ हाँ प्रीवियस पेज पे देख लीजिए, अभी याद नहीं है कोई बात नहीं, लॉग 6 एंड लॉग 7 इट इज 0.84, ओके, 6 और 7 की वैल्यू जो हमें लर्न थी हमने लिख ली और इनका डिफरेंस निकाल लिया, बोलो बेटा 0.84 माइनस 0.78, सो डिफरेंस इज 0.06, यही है ना, 84 का 78 6 है, दो डिजिट से पहले डेसिमल है, 0.06, अब इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डेसिमल का बाद का नंबर है विद डेसिमल 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.7 से जब मल्टीप्लाई किया 7642 और तीन डिजिट है तो ये क्या आंसर आ गया, 0.042, राइट, और इस 0.042 को वैल्यू को किसमें ऐड करना पड़ेगा, 0.042 किसकी वैल्यू में ऐड करोगे, ये तो पता ही थी ना लॉग 6 की वैल्यू, तो बेटा तो लॉग 6 की वैल्यू आपके पास कितनी थी 0.78, तो आप 78 के अंदर बेटा क्या कर दीजिए, ये ऐड कर दीजिए, तो देखो 2 सो द आवर आंसर इज 0.822 और इससे बेटा बिल्कुल सही आंसर आएगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये तो एक पूरा प्रोसीजर है। अब इससे भी थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं, जिससे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो यही तो कैसे कर सकते हैं, सपोज 6.7, अब आप देखिए आप नहीं चाहते कि कोई कैलकुलेशन करें, हम वर्बली देखना चाह रहे हैं इसको, राइट, तो 6.7 वी नो दैट दिस इज अ नंबर बिटवीन लॉग 6 एंड 7, इसका मिड पॉइंट निकालिए आप, मिड पॉइंट यहां क्या हो जाएगा, 6 और 7 के बीच का पॉइंट क्या होगा,
6.5, 6 or 7 के जस्ट मिड पॉइंट 6.5, 0.78 और 0.84 का मिड पॉइंट क्या होगा, 78 और 84 मान के बात कर लो ना, तो इट इज 0.81। सो आप देखिए अगर ये वैल्यू आंसर क्वेश्चन होता है लॉग 6.5, सो और आंसर विल बी 0.81, राइट, बट अवर क्वेश्चन इज 6.7 विच इज लार्जर देन 6.5, सो नाउ द आंसर मस्ट बी लाइज बिटवीन लॉग 6.5 एंड लॉग 7। तो इनका मिड पॉइंट क्या होता है, इनका मिड पॉइंट होता है बेटा क्या, 6.75। आप देखिए बेटा 6.5 और 7 के बीच का दिया है मैंने 6.75, तो इन 81 और 84 के बीच का नंबर क्या होगा, 8.25। तो अब आप मैच कर लीजिए, इफ क्वेश्चन इज लॉग 6.75 देन द आंसर मस्ट बी 0.825, बट इट इज स्लाइटली लेस देन द 6.75, इट इज 6.7, सो द आंसर मस्ट बी स्लाइटली लेस देन 0.825। आप तो 0.82 लिख दीजिए या 0.822 आया वैसे लिख दीजिए, नहीं तो 0.82 से हमारा काम चल जाएगा। डेसिमल के दो प्लेसेस तक भी अगर अपन ने सही कर लिया है तो फिर आगे मिस्टेक होने के कोई चांस नहीं है। तो अच्छे से समझ में आ गया आपको लॉग कैसे निकालते हैं, गुड, ठीक है। ये टेक्निक अपने को किसमें देखनी है, एंटीलॉग में देखनी है बेटा। इसी चीज को एंटीलॉग में किस तरह से देखेंगे बेटा, देखो आप एंटीलॉग में क्या करना होगा वो सबसे पहले समझना है अपने को। जैसे हमारा क्वेश्चन आया एंटीलॉग 2.72, ये एक अपना एक नॉर्मल एग्जांपल है, कहीं भी क्वेश्चन के बीच में अपन कैलकुलेशन करते हुए आए, पीएच के कैलकुलेशन कर रहे थे अपन और हमने हमारा आंसर ये आ गया कि फाइनली अपने वो 2.72 है, अब यहां कुछ कैलकुलेट करना है, राइट। तो 2.72 का एंटीलॉग लेना है। तो देखो बेटा लॉग टेबल किस पे बेस्ड थी, मैंने बताया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म पे कि एक डिजिट के बाद डेसिमल वालों के हम लॉग वैल्यू निकालते हैं तो आंसर आता है हमारे पास, और आंसर कुछ इसी तरह के होते थे। तो अब जब इसका एंटीलॉग लेंगे तो आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे, आप समझ गए ना बात को, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब किसी भी एंटीलॉग वैल्यू का आंसर हमेशा अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, समझ में आ गया, यानी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाकर लिखेंगे, फर्स्ट थिंग तो ये हुई। अब एंटीलॉग टेबल किसके लिए बनाई गई है, एंटीलॉग का मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब एग्जैक्ट मतलब अगर समझना चाहे तो आप मैथ से जानते हैं इतना, तो कि इसका मतलब होता है 10^2.72। बट देखिए ये प्रॉब्लम थी तो ये भी प्रॉब्लम ही है अपने लिए, तो वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 2.72 एज वेल एज वी कांट फाइंड 10^2.72। इंटीजर में होता था मैं आता, लेकिन 10.272 आ गया तो वही मतलब है। कई बार क्वेश्चन के आंसर ऐसे गिवन होते हैं इसलिए मैंने आपको बताया बेस जो होता है टेबल का उसके पावर कर देना होता है, ऐसे हो गया। अब हमें सिर्फ लॉग 10 की पावर 2 तो समझ में आता है लेकिन 10^0.72 हमें समझ में नहीं आ रहा, उसकी वैल्यू के लिए एंटीलॉग निकालना पड़ता है। तो एंटीलॉग हमेशा किसका देखेंगे बेटा, जो डेसिमल के बाद का डिजिट है उसका, पहले वाले का एंटीलॉग देखने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो देखिए इसका क्या करना पड़ेगा, ये हमें क्या समझ में आ रहा था, हमें ये समझ में आ रहा है कि 10^2, तो जो डेसिमल से पहले है वो तो 10^2 में चला जाएगा एज इट इज, राइट। अब बच गया कौन 0.72, तो अब हमें सिर्फ 0.72 की वैल्यू चेक करनी है। तो आप वापस मैंने जो टेबल की 10 वैल्यूज आपको लर्न करने के लिए बोली थी, अब हमारे वापस वही चीजें काम आएगी बेटा। देखो आप वैल्यू देखिए, लॉग 6 की वैल्यू कितनी थी 0.78 और ये है 0.72, इसका मतलब अगला डिजिट कहां होगा, लॉग 5 होगा इसका मतलब, तो ये आंसर कितना था 0.70, ये वैल्यू 2 याद है ना आपने को, तो इट मींस आंसर मस्ट बी लाइज बिटवीन लॉग 5 एंड लॉग 6। क्यों, देखो 0.70 0.78, तो देखिए बड़ा आसान है, इसका मिड पॉइंट निकालिए आप, इसका मिड पॉइंट कितना हो गया 0.74 और इसका मिड पॉइंट 5.5, तो लॉग 5.5 की वैल्यू होती 0.74। अब आप उल्टा चलना है, अभी अपन लॉग को एंटीलॉग में देख रहे हैं, देख रहे थे, अब एंटीलॉग को वापस किस में कन्वर्ट करना है, लॉग वैल्यूज में। तो देखिए बेटा ये कितना है 0.72, जिसका एंटीलॉग देखना है, कहां होगा ये 0.72,
it must be between 0.70 and 0.74. इसके जस्ट बीच का ही तो पॉइंट है ये, तो यहां पर भी क्या होगा, ये इन दोनों के बीच का पॉइंट होगा। अगर 76 होता तो 5.5 और 6 के बीच का नंबर होता, ऐसे ही देखिए 5 और 6 के बीच का नंबर था 0.74, तो 5.5 का हो गया, और 5 और 5.5 के बीच की वैल्यू निकाल लो, और उधर 74 और 70 के बीच की निकाल ली अपन ने 0.72, तो 0.72 का मतलब कितना आ गया 5.25। आप टेबल में चेक करना, 99% एक्यूरेसी होती है इनकी, आराम से किसी भी वैल्यू को बहुत अच्छे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और थोड़े दिन में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखते ही बता देंगे। जैसे मुझे करना होता 2.72 तो मैं सीधा लिखता 10^2, 0.72 मतलब 5 से थोड़ा आगे, 5.2, 5.3 कितना भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो इस तरह से काम करके हम 5.25 वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टेक वन मोर एग्जांपल, वेरी क्लियर, जो भी डेसिमल से पहले है वो तो क्या हो गया 10^5, और मैं बता रहा हूं 90% आंसर तो इससे मिल जाता है 10^ से, राइट। बस ये आंसर अब अपने को सिंडेड फॉर्म में लिखना होता है। अब देखिए आपको 0.40 जिसका एंटीलॉग देखना है, आप टेबल में देखिए 0.40 कहां आया था, देखो देखिए आप लॉग 2 की वैल्यू कितना थी 0.30, लॉग 3 की वैल्यू कितना थी 0.48, 0.30 और 0.48 और 0.40 इसी के बीच में होगा कहीं, तो लुक इनका मिड पॉइंट निकालिए आप, 30 और 48 का मिड पॉइंट क्या होगा 0.39, और इधर मिड पॉइंट क्या होगा बेटा 2.5। सो अगर अपने को 0.39 का एंटीलॉग चाहिए होता देन द आंसर इज 2.5। तो 0.39 और 0.40 में क्या डिफरेंस है, इट इज वेरी क्लोज टू 0.39, सो द आंसर मस्ट बी वेरी क्लोज टू 2.5, सो यू कैन राइट 2.55 और 2.53, 2.54, एनीथिंग, तो ये अपना आंसर होगा। तो किसी भी एंटीलॉग वैल्यू को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और बताता हूं, टोटल 4 एग्जाम्पल करते ही कंप्लीट समझ में आ जाएगा अपने को, लास्ट है बस। एंटीलॉग टू बार 0.64 ये आया बेटा, टू बार तो हमारा आंसर क्या हो गया 10^-2 व्हाट नेगेटिव है तो -2 हो जाएगा, पहले ही बता दिया थे, और यहां ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है ना, लेकिन 0.64 पॉजिटिव है, जिसका एंटीलॉग देखना होता है विच नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, सो 0.64 इज पॉजिटिव नंबर, उसका एंटीलॉग देखना है। कहां मिलेगा 0.64, इट इज बिटवीन लॉग 4 एंड लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू कितना थी बेटा 0.70, ये कितना थी 0.60, ये तो सबसे इजी है, लॉग 4 और 5 वाला तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, इधर भी 10 पार्ट है इधर भी 10 पार्ट है, तो जितने पार्ट होते हैं जैसे 4.5 आएगा तो 0.65 आएगा, ये कितना है 0.64, तो इसका मतलब कितना होगा 4.4, वेरी क्लियर, 4 की वैल्यू 0.6 है, 0.61 किसकी होगी 4.1 की, 0.62 किसकी होगी 4.2 की, इस तरह से अपने को कैलकुलेट करना होता है, राइट। बस अब एक लास्ट प्रॉब्लम है जो सबसे मुश्किल है, अभी तक अपने जितना सीखा उसके बेस पे वो नहीं आएगी, बिकॉज उस वैल्यू को पहले हमें कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्ट एग्जांपल चेक करिए बेटा, एंटीलॉग, किसी ने बोला अपने को एंटीलॉग -5.42, ये क्वेश्चन दिया है बेटा -5.42 एंटायर वैल्यूज नेगेटिव -5 एंड -0.42, ऐसे तो अपन एक्सपेंड करेंगे, तो जब तक डेसिमल के बाद का नंबर नेगेटिव होगा वी कांट फाइंड द एंटीलॉग वैल्यू, वी मस्ट नीड द वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉजिटिव, राइट बेटा। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस नेगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव वैल्यू,
सो मैथमेटिकली मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूं और एकदम शॉर्टकट में बताता हूं। देखिए आप इसको लिखिए एंटीलॉग, दिस इज माइनस 5.42, नेक्स्ट इंटीजर क्या होता है माइनस में 6, माइनस 5. समथिंग है तो 6 मान लो, तो इसको मैंने लिख दिया 6 बार, इसका मतलब इसको ज्यादा नेगेटिव कर दिया ना मैंने। अब इस वैल्यू को 6 में सबट्रैक्ट कर दो, ये 6 जो नेगेटिव मैंने किया है एक्चुअली इट वाज ओनली माइनस 5.42 बट मैंने लिख दिया माइनस 6, ज्यादा लिख दिया तो कंपनसेट करना पड़ेगा, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। सो इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा बेटा 0.58। इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 6 तो माइनस का है लेकिन ये वैल्यू किसकी है, प्लस की है। आप देखिए माइनस 6 और प्लस 0.58, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर वही आएगा आपका माइनस का 5.42, क्योंकि मैथ्स में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप तरीके यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज ट्रिक्स बट यू कांट चेंज द मैथ्स, राइट। तो इट इज 6 बार 0.58। नाउ वी कैन फाइंड द एंटीलॉग वैल्यू वेरी इजीली, सो व्हाट इज इट, 10 रेज़ टू द पावर व्हाट माइनस 6 एंड इट इज 0.58, कहां मिलेगा 0.58, देखिए लॉग 4 इज 0.60, क्लोज टू 0.58 अपने को चेक करना होता है, और दूसरा इससे कम वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, इट इज 0.48, तो इट इज द आंसर मस्ट बी लाइज बिटवीन 3 एंड 4। तो सपोज इट इज 0.54 इसका मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट 3.5 होता, लेकिन ये 0.54 और 60 इनके बीच का आंसर होगा 0.57, तो इसका आंसर होता 3.75, उससे भी आगे, तो आप लिख दीजिए कितना बेटा 3.8, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये लॉग का मैंने आपको एक बताया, लॉग एंड एंटी लॉग को इस तरीके से करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपन जो हमारा चैनल आपको बता दिया जाएगा अभी उसके ऊपर आप इस लिख सकते हैं, और भी कोई डाउट होंगे उन्हें हम बहुत जल्दी आपको आंसर देंगे, और भी आगे वीडियोज इस तरह से आते रहेंगे जिससे आप बेनिफिटेड होते रहेंगे, राइट।